Hello students, welcome to O2IS Academy YouTube channel. I am Professor K.S. Sandhu और आज हम day 4th को एक और Indian history का question है, उसको आज हम discuss करेंगे और हम देखेंगे कि उस question को हमें किस तरह से attempt करना है. और क्योंकि ये हमारा जो पूरा series है, ये mains की answer writing के ऊपर यहाँ पे हम इसको चला रहे हैं और इसमें हमारा main focus यही है कि एक question को अच्छे एक क्वालिटी ऑफ आंसर लिखने के लिए हमें क्या अवॉइड करना है और क्या उसके अंदर इंक्लूड करना है. सो स्टूडेंट, बिफोर आई मूव फर्दर, O2IS एकेडमी का एक एंड्रॉयड बेस ऐप भी है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं. यहाँ पर आपको सिविल सर्विस के रिगार्डिंग बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है. बहुत सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है जिसको डाउनलोड करके आप जो अपना सिविल सर्विस का प्रेपरेशन जो है उसे बढ़िया बना सकते हैं. एंड जो स्टूडेंट हरियाणा और हिमाचल का मेंस लिख रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट की हमने कर रखी है. इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन कर सकते हैं बल्कि उसमें क्या कमी है आपके आंसर में उसकी जो एनालिसिस है वो भी आप साथ में ले सकते हैं. तो जब आप इन रियलिटी में मेंस लिख रहे हों तो तब मेंस लिखते वक्त आपके दिमाग में कुछ चीज़ें जो हैं वो डर नहीं होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसको मुझे किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें एज ए प्रैक्टिस आपकी पहले शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए. तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी जो आंसर राइटिंग है उसे आप बेटर बना सकते हैं. और आज अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और आज का जो मैंने क्वेश्चन है मैंने थोड़ा एंशिएंट इंडिया से जो क्वेश्चन लिया है यहाँ पे और दिस क्वेश्चन इज बेसिकली दो द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द रिग्वेदी कल्चर रिप्रेजेंट टू डिफरेंट सोसाइटी जेट दे शेयर मैनी सिमिलैरिटी एनालाइज इट. तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन का जैसे हमने देखना है कि जब भी हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका क्या देखना होता है कि उसकी जो डिमांड क्या है, जो की डिमांड है क्वेश्चन की उसे हमें यहाँ पे चेकआउट करना है. और की डिमांड यहाँ पे ये है कि इंडस वैली का सिविलाइजेशन और ऋग्वेदी कल्चर, नो डाउट ये दोनों अलग अलग सोसाइटियाँ रही हैं, इनमें से कुछ सिमिलैरिटी जो हैं ये दोनों शेयर करती थी तो उनको एनालाइज करना है हमें. तो अब इस क्वेश्चन को नो डाउट आपने इंडस वैली भी पढ़ा हुआ है, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर के बारे में भी पढ़ा हुआ, तो देर आर लॉट ऑफ मटेरियल जो आप आसानी से इसके ऊपर आप लिख सकते हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं जो आपको जरूर लिखनी है और उसे एक ऑर्गेनाइज वे से आपके आंसर में जरूर होना चाहिए. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन. अब आप इसकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा फोकस इंट्रोडक्शन पे हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि मेन कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें सिमिलैरिटीज वगैरह जो है उसके ऊपर डिस्कस करना है. तो आप क्या लिख सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग यू कैन राइट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, देयर आर मेनी थिंग यू कैन राइट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी आप लिख सकते हैं. सो मेनी थिंग्स कम टू योर माइंड. लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा जो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट पिन पॉइंट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. टाइम पीरियड जो है आप यहाँ पे टाइम पीरियड को इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, जैसे कि इंडस वैली का जो टाइम पीरियड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हम 2500 बीसी से लेके 1800 बीसी तक का हम इसे एक फेस लेके चलते हैं, ठीक है. इसके बाद अगर हम जो ऋग्वैदिक पीरियड का हम देखते हैं तो ऋग्वैदिक पीरियड अगले 1000 साल तक का हमारे पास आता है, तो 1500 बीसी ऑनवर्ड जो है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड जो है ये स्टार्ट हो जाता है, अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक में. तो यहाँ पे आप सिंपल दो टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए कि ये सिविलाइजेशन इस टाइम पीरियड की है और ऋग्वैदिक जो है इस टाइम पीरियड की है. तो टाइम डिफरेंस हमें पता चल जाता है कि ये दोनों सिविलाइजेशन अलग अलग हैं. इसके अलावा कोई और ज़्यादा पॉइंट हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है. अब जब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का कंटेंट क्या होना चाहिए, देखिए आपने दोनों चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं. आप रिलीजन लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, जिसको जो है इसे आप सिमिलैरिटी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं. तो नॉर्मली यहाँ पे हम अगर पैराग्राफ सेंस में चले गए कि इकोनॉमिक सेंस को पहले इकोनॉमी को कंपेयर कर दिया, सोशल को कंपेयर कर दिया या इस तरह कर दिया, तो क्वेश्चन लेंथी होता जाएगा और लेंथी होने की वजह से हो सकता है उसके हम जो की पॉइंट है वहाँ पे मिस कर दें. तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिखते वक्त ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ आपने नहीं बनाने हैं, आप उसको जो पिन पॉइंट है वो यहाँ पे करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें जो आपके इस आंसर में जरूर होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दोनों जो सिविलाइजेशन थी, या इंडस की बात करें या वैदिक की बात करें, तो एक सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी,
दूसरी जो थी, अगर इंडस वैली को हम अर्बन सिविलाइजेशन लेके चलते हैं, और जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो विलेज बेस्ड सिविलाइजेशन थी, थोड़ा पेस्टोरलिस्ट थे पहले यहाँ पे, तो एक यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे जरूर आ जाता है, लेकिन एक कॉमन सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है कि जो वैदिक टेक्स्ट है, लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमें यहाँ पे नगर नगर जो टर्म है वो जरूर देखने को मिली है वैदिक कल्चर में भी। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नो डाउट वैदिकल जो एज है वो एक एज ए विलेज सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुई, लेकिन लेटर ऑन ये सिविलाइजेशन भी सिटी बेस और जो एक सिटी कल्चर है उसकी तरफ गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्तिनापुर और कौसंबी ये एक इंपॉर्टेंट उस समय के सिटी सेंटर रहे हैं। तो ये एक सिविलाइजेशन, ये कम सिमिलैरिटी ले सकते हैं, चाहे वो लेटर एज में आते लेकिन बनती है, तो दोनों एक जो है सिटी कल्चर की तरफ मूव करती हैं। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा जो थे, हमने उनका एक सिस्टम पढ़ा हुआ है कि जैसे उनकी जो बिल्डिंग थी उनका एक बड़ा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, उसके बाद उन वहाँ पे जो ब्रिक का यूज किया जाता था वो भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज में यूज किया जाता, तो इन दैट वे जो इंडस वैली के लोग थे उनका जो मैथमेटिकल या ज्योमेट्री नॉलेज था दैट वाज वेरी फाइन। और इसका हम एक सिमिलैरिटी देखते हैं कि दिस नॉलेज माइट बी यूज बाय द लेटर वैदिक पीरियड में भी इसका यूज हुआ होगा, क्योंकि वैदिक पीरियड में फायर एल्टर का काफी ज्यादा हमें देखने को मिला है, और फायर एल्टर को बनाने के लिए एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल जो डिज़ाइन होता है उसका यूज़ किया जाता था, और फायर एल्टर इंडस वैली के टाइम पे भी बनते थे, जैसे कि कालीबंगर में हमें फायर एल्टर मिले हैं यहाँ पे। तो एक सिमिलैरिटी हम ये ले सकते हैं। अब इसको अब अगर आपने इसको रिलीजियस सेंस में आपने लिख दिया कि ये चीज़ें आ जाती हैं, तो उसका जो इम्पॉर्टेंट रेलिवेंस है वो पीछे से रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखेंगे कि जो मैथमेटिक्स या ज्योमेट्रिकल नॉलेज जो इंडस वैली के टाइम पे डेवलप हुआ था वो आगे भी हड़प्पा के जो वैदिक टाइम का जो पीरियड था उसमें भी इसका यूज जो है वो बेहतरीन किया गया, तो यहाँ पे ले सकते हैं। रिलीजियस में हम कुछ सिमिलैरिटी बिल्कुल आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि एक या हम देख सकते हैं कि जैसे इंडस वैली में हमें पशुपति नाथ और जिसे हम एक प्रोटो शिवा के साथ भी अटैच किया गया है, तो शिव के हमें काफ़ी सील जो है वो मिले हैं, तो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन का मानना है कि ये जो जो सील मिली है जिसके ऊपर एक योगिक पोजीशन में पर्सन बैठा हुआ है, तो सराउंडेड बाय सम एनिमल, तो ही दैट इज बेसिकली जो शिव है। और हमने ये भी देखा कि वैदिक एज में भी शिव जो है एक इंपॉर्टेंट गॉड जो है वो लेटर ऑन रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी एक सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे मिल जाती है, तो इसको हमने थोड़ा हाईलाइट करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नेचर वर्शिप, अगर इंडस वैली के टाइम पे देखें तो कोई आइडल वर्शिप जो था वहाँ पे नहीं था, जहाँ कोई टेम्पल आर्किटेक्चर हमें नहीं मिला जो इस तरह करता, दे बर देकर बेसिकली नेचर को वर्शिप करते थे। और वैदिक एज में भी हमने देखता है दे बेसिकली वर्शिप द नेचर, चाहे वो फायर गॉड थे चाहे वो रेन गॉड इंद्र थे, तो इस तरह वो नेचर को वर्शिप करते थे। तो इसलिए ये पॉइंट भी हमें अपने आंसर में हाईलाइट करना है यहाँ पे कि भाई ये सिमिलैरिटी भी दोनों में है, ठीक है, कि दोनों नेचर वर्शिप को यहाँ पे दोनों प्रमोट करते थे यहाँ पे। एंड देर आर सर्टन क्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे पोटरी है ये इंडस में भी बनती थी, वैदिक में भी बनी है, ज्वेल मेकिंग वगैरह हो गया या बैंगल्स हो गया, जैसे यू नो कालीबंगन से हमें बहुत सारी बैंगल्स मिले हैं, तो इंडस वैली में भी हमें इंडस वैली के टाइम पे जो बैंगल्स मिलती हैं कालीबंगन से, और वैदिक पीरियड में भी हमें बैंगल्स मिली हैं, तो ये एक बड़ा आ जाता है कि कुछ ऐसे क्राफ्ट रहे हैं जो कि काफ़ी कॉमन रहे हैं, वो इंडस वैली में भी थे और वैदिक एज में भी यहाँ पे रहे हैं, तो इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी हमें देखी है, तो ये पॉइंट आपने अपने आंसर में हाईलाइट जरूर करना है। इसके अलावा ऋग्वैदिक टेस्ट में हमें एक टर्म भी मिली है हरियप्पा टर्म भी हमें मिलती है, तो हिस्टोरियन का मानना है कि जो हरियप्पा है इट माइट बी इन रेफरेंस टू द हड़प्पा पीपल से किया गया, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कुछ रिलेशन जो था वो बीच में इनका अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पे रही होगी। तो ये चीज़ें जो हैं हमें थोड़ा सा अपने आंसर में, ये पॉइंट अगर आप अपने आंसर में इस तरह से हाईलाइट कर देते हैं तो आपका जो आंसर है उसका कंटेंट जो है वो यहाँ पे बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करें में यहाँ पे आपने कंक्लूजन में जो लिखना है वो एक पॉइंट आपने जरूर यहाँ पे करना है कि नो डाउट यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी जरूर थी यहाँ पे, लेकिन दोनों सिविलाइजेशन जो थी वो थोड़ा डिफरेंट थी, इंडस वैली का एक अपने मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं और वैदिक एज के अपने मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स रहे हैं, बट सम सिमिलैरिटी होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों सेम थी। तो इस तरह से आपने अपने आंसर को फाइनली कंक्लूड करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज करने के लिए आपको जो भी वहाँ पे पॉइंट लिखने होते हैं उसको
आपका जो एक रेशनल एक बेसिस है वो आपको आपके आंसर में वहां पे जरूर लिखना होता है. तो इस तरह से अगर आप इन पॉइंट को अपने आंसर में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बेटर आएगा. सो दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर टुडे और जल्दी मिलेंगे फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. हैव ए गुड डे एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.